बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड ऑन अ फोर्क एंड एवरीडे व्लॉग्स। आज का जो मेरा व्लॉग है दैट इज़ अबाउट अ विजिट टू वन डॉलर शॉप। इट्स बेसिकली ए शॉपिंग व्लॉग। पेशावर में ये जो है शॉप फर्स्ट टाइम खुली, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक विज़िट करवाती हूँ इसकी। मैंने बहुत इसके बारे में सुना था कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, और वैसे ही इसको विज़िट करने को दिल कर रहा था। तो ईद गुजरी थी अभी, और काफ़ी लोग, रश वग़ैरह कम था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको लेकर चलती हूँ और आपको इसकी एक विज़िट करवाती हूँ। तो ये जब हम पहुँचे तो रश बिल्कुल नहीं था उस वक्त, और दोपहर का वक्त था और मौसम भी अच्छा हुआ था उस वक्त, और धूप जो है वो कम थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और इसकी बारे में आपको डिटेल्स बताती हूँ। जैसे ही हम एंटर हुए तो यहाँ पे आपको स्टॉल्स या काउंटर्स नज़र आए, जिसमें आपको बहुत सी हाउसहोल्ड चीज़ें जो कि बच्चों की, घर की, डेकोरेशन की, मेकअप की, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। पहले तो बॉयज़ का स्टफ़ था, जिसमें बॉयज़ की की चेन्स, वॉलेट्स वग़ैरह। उसके अलावा फिर बाद में आगे जाके गर्ल्स का काउंटर स्टार्ट हुआ, जिसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप के आइटम्स और सारे ये जो आर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी और उसमें इयररिंग्स और ऑर्नमेंट्स, और उसके अलावा जो उसकी जो है बैंगल्स वग़ैरह, और ये चीज़ें सारी, नेक पीसेस और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। पर्सेस और बैग्स भी थे, और भी मुख्तलिफ चीज़ें थी जो कि राइट कॉर्नर से हम गए तो हमें नज़र आई। उसके अलावा जो है ये जो है उनका घर के सामान या हाउस होल्ड आइटम्स का या कुकवेयर का साथ में एक छोटा सा पोर्शन था, जिसमें आपको स्टील के बर्तन, कढ़ाइयाँ और फ्राइंग पैन्स, और जिसको आप क्या कहते हैं, परात छोटे छोटे और इस टाइप की चीज़ें इसमें अवेलेबल थी। इसके अलावा और भी आपको आइटम्स ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये भी अवेलेबल थे, वेजेस थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेकोरेशन पीसेस वग़ैरह, और ये कुशन्स वग़ैरह थे लेदर के, मुख्तलिफ कलर्स में और मुख्तलिफ डिज़ाइंस में मौजूद थे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी जो टॉयलेटरीज और जो वाइपर्स और प्लास्टिक का सामान बहुत सा। इस तरफ जब हमने टर्न लिया तो इसमें आपके पास जो है किचन के रिलेटेड जो है आइटम्स थे, और डब्बे और जो फ्रिज में रखने वाले कंटेनर्स होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह, वो काफ़ी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा टॉवल्स थे और मग्स और कप्स थे, वो भी मौजूद थे इसमें। ये देखिए लड़कों के लिए बेल्ट्स वग़ैरह, पैंट्स पीछे, और साथ में ये जो है ये पूरा जो है उनका टॉवल्स और मग्स वग़ैरह का रैक था। हम पूरा घूम फिर के हमने एक टूर लिया, फिर कुछ इक्का दुक्का चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी या मुझे चाहिए थी, ये देखिए प्लास्टिक का इनका जो सामान था वो सारा लगा हुआ था, और साथ इनके पास जो हिजाब वग़ैरह वो भी मिल रहे थे। उसके अलावा ये एडिबल्स थे, जिसमें निम्को चिप्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, नट्स वग़ैरह, कैंडीज़ थी, और ये फिर साथ में टॉयलेटरीज थी, इसमें जो है डेटॉल वग़ैरह और ये सारा स्टफ़ था, स्वीप्स और डेटॉल वग़ैरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी, ये टॉयलेट क्लीनर्स वग़ैरह थे। उसके अलावा जो है ये डेकोरेशंस और कुछ जो है डेली यूज़ के गैजेट्स थे, और उसके आगे जाके फिर
जो प्लास्टिक के जो बर्तन हैं या फिर आप क्या कह सकते हैं उसको, आम इस्तेमाल के बर्तन जो हैं वो मौजूद थे, प्लेट्स थी, डिशेस थी, उसके अलावा सामने पिलोज और टिश्यू पेपर बॉक्सेस, रोल्स और जो उसकी जो मतलब सामान था सारा वो मिल रहा था। उसके अलावा जो है कुछ इस तरफ जो है ये जो क्या कहते हैं ग्लासवेयर, जिसमें मुख्तलिफ गुलदान और डेकोरेशन की चीज़ें और मुख्तलिफ किस्म के जो क्या कहेंगे उसको डेकोरेशन पीसेस थे वो मिल रहे थे। और उसके साथ में उसके साथ ही जो है वो ग्लासेस और जो मतलब क्रॉकरी वगैरह और ग्लासवेयर जो था वो सारा वो अवेलेबल था। इन सब जगहों में घूम फिर के हमने थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग की, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी खोल के और उसको अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगी। आगे जाके टॉयज़ और किड्स के का गिफ्ट कॉर्नर था, तो उसमें भी मुझे एक दो तीन आइटम्स पसंद आए तो वो भी मैंने लिए। उसके अलावा जो है इसमें मतलब बर्थडे का सारा सामान और जो मतलब और स्टफ़ बच्चों के टॉयज़ वगैरह, कार्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। पीछे जो आप टर्न लें तो ये सारे एडिबल्स और निमकोज़ वगैरह वही स्टैंड हैं और लगे हुए हैं बीच में शेल्फ्स। तो ये सारा जो है ये सिलसिला था। कुछ गारमेंट्स का सेक्शन था पीछे, तो उसमें बच्चों के गारमेंट्स के जो वो थे हैंग हुए हुए थे, और साथ ही स्ट्रॉलर्स थे लेडीज़ के, शॉल्स वगैरह थी कुछ। तो ये जो हमने कुछ बाई किए उसमें कुछ पिलोज थे, क्योंकि बच्चे पिलोज बहुत जल्दी ख़राब करते हैं, उनको मतलब जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, तो उसमें मैंने कुछ पिलोज लिए। ये पेमेंट काउंटर है उसका सामने ही, जहाँ पे हमने पेमेंट की और फिर हम ये जो सारी चीज़ें हैं वो घर ले आए। अब यहाँ पर जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी वो थोड़े बहुत जो कुछ आइटम्स हैं जो मैंने बाय किए, जिसमें चार मैंने पिलोज लिए, और उसके अलावा जो है मैंने कुछ जो है टॉवल्स लिए। ये टॉवल्स छोटे साइज़ के थे, तो बच्चों अक्सर छोटा बच्चा या बेबी जो है वो खाना खाते वक्त मैं उसकी गोद में डाल देती हूँ या उसको यूज़ करवाने के लिए मैंने आम ये परचेज़ किया। ये सब आइटम्स ज़्यादातर जो है वो 160 यानी $1 में मुझे पड़े, इसीलिए इसका नाम $1 शॉप है। मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये महंगी महंगी चीज़ें लेने से या आपको अच्छी महंगी शॉपिंग करने से कोई खुशी ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा मिले। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी अपनी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये मेरी एक सीक्रेट है ये, कि मुझे ये हाउसहोल्ड सामान और जो क्रॉकरी वगैरह है या प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं ये बहुत पसंद कर होते हैं, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ये चीज़ें मैं बाय करती हूँ। चाहे मुझे मतलब घर में मुझे बस उनको रखना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं डब्बे वब्बे जो हैं, तो इसलिए मैं कप्स और मग्स और ग्लासेस और ये चीज़ें खामखा जब भी जाती हूँ तो एक्स्ट्रा लेके अपने पास रखती हूँ। तो ये मैंने मग्स लिए, ग्लासेस लिए, टॉवल्स लिए कुछ, और जो कि घर में चाहिए होते हैं। तो बस उसके अलावा जो है मैंने एक कटलरी बॉक्स लिया, क्योंकि स्पून्स वगैरह जो है धुले धुलाए उसमें पड़े रहते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो फिर जब भी बच्चों को चाहिए होते हैं। ये बॉक्सेस थे स्टोरेज कंटेनर्स थे स्टोरेज के, तो ये मैंने लिए। तो ये जो है ये कटलरी जो है उसका बॉक्स है, तो वो बच्चों को चाहिए होते हैं तो बस वहीं से धुले धुलाए पड़े होते हैं कवर्ड, तो वहीं से उठा के वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये एक मुझे डिस्पोजेबल फ्रिज मैट मिला, एक रोल मिला,
तो मैंने सोचा ये फ्रिज में लगाने के भी काम आएगा, और उसके अलावा भी जो है जब आप काम काउंटर पे कर रहे हो तो नीचे अब अगर आप इसको एक रोल को खोल के डाल लें तो आपको मतलब अगर आटा गूंद रहे हैं तो तब भी आपको सहूलत रहेगी। उसके अलावा ये एक छोटा सा टॉय सेट था, ये टूल बॉक्स या टूल सेट था जो मैंने टीपू के लिए लिया, और उसके अलावा एक जो है पंचिंग बैग था, ये भी मैंने टीपू के लिए बाय किया। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बाय की, लेकिन टूर मेरा अच्छा रहा और मुझे पसंद आया। चीज़ें तो कम थी, बस अब आखिर में हम बस थक हार के चाय पी के रेस्ट करने लग गए, लेकिन चीज़ें जो हैं वहाँ पे मुझे काफ़ी पसंद आई। आपको जब भी मौका मिले आप ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी शॉपिंग। देखते रहिए फूड ऑन अ फोर्क इन एवरीडे व्लॉग्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में और खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।